सभी को आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट साइंस का, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका जो मेन एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हूबहू ऐसा ही इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, पेपर में कहां से क्या पूछे जाने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सब यहां हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये इसकी ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर की कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, कितने समय का होगा और कुल कितने पूर्णांक होंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे 15 पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 10 और फिर उससे थोड़े लॉन्ग 12 है और फिर और लॉन्ग जो है वो 4 और फिर ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और सामने उनके अंक दे रखे हैं। ये आपके वो चैप्टर होंगे जहाँ से इतने अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ये 13 चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने अंक के आ रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ से सबसे अधिक 8-8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन चैप्टरों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि फर्स्ट चैप्टर से जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा और एक दीर्घ उत्तर वाला क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर से और एक लघु उत्तरात्मक उत्तर आएगा फर्स्ट चैप्टर से। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर से आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 6 अंक के हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है ये 6 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक चैप्टर का देख सकते हैं। अब हम आगे देखें तो इसमें जो परीक्षार्थी हैं उसके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार उसको पेपर हल करना है, कहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फिर हम चलते हैं इसके सेक्शन ए में। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ सभी क्वेश्चन एक एक अंक का रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन आने हैं और वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आने वाला है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम चलेंगे सेक्शन बी वाले पार्ट में। पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अब आएगा सेक्शन बी, इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे 50 शब्दों के। प्रत्येक दो दो अंक का होगा ये। फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होगा वो प्रत्येक 3 अंक का होगा।
इसमें आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो ये, या फिर अथवा वाला ये कर सकते हो। दोनों में से जो आपको बढ़िया था वो आप कर सकते हो। इसी प्रकार 17 नंबर में भी दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है। 18 नंबर में भी दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करना है। यहाँ सभी जो हैं वो आपको चूज करने हैं कि कौन सा आंसर आपको अधिक आता है, आप वही क्वेश्चन सोल्व करें। फिर सेक्शन डी आ गया, यहाँ पर चार चार अंक का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको बढ़िया आता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ट्वेंटी टू क्वेश्चन पूरे होंगे और उसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।